सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं सफ़र करने वाला हूँ न्यू गो बस में, और इसका सफ़र मैं बताऊँगा कैसा रहेगा। और मेन जो बात है आज 15 अगस्त और आज के दिन न्यू गो मैंने ऑफ़र लगाया था, जो कि 1 रुपीज़ में आपको जहाँ पर न्यू की सर्विस चलती है वहाँ पर आपको दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर, यानी कि अगर आप न्यू की बस में आज सफ़र करते हैं तो आपको 1 रुपये का चार्ज देना होगा। चलिए इस बस के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ बस किस तरह की है। काफ़ी अच्छी बस है और ये देखिए, ये न्यू गो की बस है और ये हमारे ड्राइवर भैया हैं। भैया कितने का टिकट है आज इसमें? आज 1 रुपये। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा अगर किसी को 1 रुपये का टिकट बुक करना है? ऑनलाइन न्यू गो ऐप इसका, उसे बुकिंग करो। अच्छा, 1 रुपये का बुकिंग। अच्छा, 1 रुपये का टिकट है दोस्त आज। तो अगर आप भी आज 15 अगस्त के दिन सफ़र करना चाहते हैं न्यू गो इलेक्ट्रिक बस में, देखिए इलेक्ट्रिक बस है और काफ़ी अच्छी है। इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये है हमारी न्यू गो बस, जिसमें हम जाएंगे दिल्ली से जयपुर, जयपुर से आगरा, और उसके बाद आगरा से वापस दिल्ली, और सिर्फ 1 रुपये में जाएंगे गाइस। दिल्ली से जयपुर आगरा सारा करेंगे। ये हमारा ड्राइवर कैबिन है और ये पूरी बस का इंटीरियर है। ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, ये उनके सपोर्टर स्टाफ हैं, और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए। और सीट यानी कि आप सफ़र करेंगे तो पूरा कंफर्ट आपको मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, USB। आपका ब्लोवर्स है AC के लिए, ये स्टडी लाइट है आपकी, और ये सीट है जो कि इंक्लाइन जाती है। तो काफ़ी सुंदर और क्लीन बस है, जो सिर्फ है आज 1 रुपीज़, क्योंकि आज है 15th of August इंडिपेंडेंस डे, जिसके उपलक्ष में न्यू ने ऑफर निकाला है 1 रुपये में। आप जहां पर भी न्यू की सर्विस है घूम सकते हैं। कहां कहां सर्विस दे रहा है आज न्यू? सर हमारी सर्विस जितनी भी न्यू की सर्विस है ऑल इंडिया में, जैसे जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा, आगरा दिल्ली, उसमें हमारे स्वतंत्र दिवस में कंपनी ने ऑफर निकाला है, पर सीट का प्राइस 1 रुपये की है। वो आज 15 अगस्त की? 15 अगस्त बिल्कुल। yes. तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हमारी जो बस है सर, ये जयपुर से आगरा जा रही है, जिसका निकलने का टाइम है 9 AM है सुबह का, मॉर्निंग का। ये हम अभी तो चलिए गाइस, 1 रुपये में आज ये सफ़र हम करेंगे, और आपको पूरा रास्ता भी दिखाऊंगा किस तरह का रास्ता रहेगा और कहाँ कहाँ पर बस का स्टॉपेज होता है। और सीट्स की बात करनी पड़ने से, और हमने अपनी बस के लिए भी फ्लैग ले लिए हैं, और ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी बस के फ्लैग ना लगाएं। अब ठीक है, सोलोमन कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक? एक्सपीरियंस ठीक है, मैंने पहले ऐसे ट्रैवल किया है बहुत बार न्यू गो की बस में, बस तो काफ़ी अच्छी है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, लग्जरियस फीलिंग आती है। बाकी बात करें आज की, तो स्पेशल ऑफर है 1 रुपीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो किसी भी रूट पर न्यू गो की बस में। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारा ट्रैवल तो यह है दिल्ली से जयपुर था, जयपुर से आगरा था, फिर आगरा से दिल्ली जाएंगे दोबारा से घूमते हुए इसे न्यू गो में, इस न्यू की बस में। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा हमारा। इनकेस अगर आपको कोई अगर मौका मिलता है फ्यूचर में ट्रैवल करने का, तो आप भी ट्रैवल कीजिएगा न्यू गो में। मेरा वादा है कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, आपको मज़ा जरूर आएगा।
15 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच जाएंगे आगरा। और न्यू का सफ़र जयपुर से आगरा तक का हमारा यहीं रहा, और अब जो नया सफ़र होगा वो होगा हमारा आगरा से दिल्ली का। फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं अपने ताज व्यू होटल पे, और यहाँ पर हमारी जो बस अब रुकी है अपने चार्जिंग स्टेशन पर। और यहाँ से जो है ताजमहल की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इस बस के साथ हमारा। और यहाँ से ये बस जो है हमारी यहीं स्टॉप हो गई है। इसके बाद रात में हमारी जो बस है न्यू के साथ ही आगरा से दिल्ली के लिए, और ये सफ़र हमने पूरा किया अपना 1 रुपये में, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और न्यू की तरफ से एक ऑफ़र चल रहा है कि अगर आज आप यात्रा करते हैं न्यू के साथ तो आपको सिर्फ 1 रुपया पे करना होगा। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी न्यू सर्विस दे रहा है वहाँ पे आप सिर्फ 1 रुपये में अपनी जो यात्रा कर सकते हैं। तो हमारी दिल्ली से जयपुर, और उसके बाद जयपुर से आगरा, और अब हम यहाँ से रात को निकलेंगे आगरा से दिल्ली के लिए। तो कुल मिला के हमारा 3 रुपये में दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू आगरा, आगरा टू दिल्ली, 3 रुपये में हमारा ये सफ़र होगा आज इंडिपेंडेंस डे पे। और बात करें इसके स्टाफ की, गाड़ी के स्टाफ काफ़ी अच्छा था। ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे, और जो इनके सपोर्ट स्टाफ था वो भी अच्छा था। और गाड़ी में जब आप बैठेंगे तो आपको एक वाटर मिलेगा, साथ ही आपको कुछ टिशूज़ पेपर वगैरह मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा इस बस के साथ। तो अगर आप भी इन फ्यूचर बुक करते हैं तो न्यू को बुक करें, काफ़ी अच्छा आपको अनुभव रहेगा। ये हमारी बसेस थी, और ये तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, और ये आपका ताज व्यू होटल है। तो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट करके उसके बाद चलेंगे ताजमहल के दर्शन करने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।